6,163 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और अब तक 152 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर जिले से कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। जो दायरा है कोरोना का राजस्थान में वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन 4 में भी जो एहतियात बरतने के साथ साथ में जो छूट दी गई है वो आम जनता की सहूलियत के लिए दी गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर तो लाना ही है, लेकिन आम जन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तमाम छूटें दी गई हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपके नैतिक दायित्व का पालन करना। बाड़मेर से अशोक शेरा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अपडेट बाड़मेर में, किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस प्रकार से, देखिए बाड़मेर में 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, तो क्या वहां पर हालात फिलहाल? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से जो प्रवासी लोग हैं लगातार बाड़मेर आ रहे हैं उससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। आज ही जैसा कि आपने बताया कि 14 मरीज जो है कोरोना के नए आज सामने आए हैं। इसके बाद जो बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनको लगातार प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन रखा जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी लोगों से संक्रमण फैलने की रोकथाम से के लिए जो वरिष्ठ IAS है वो बाड़मेर लगाया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश जो है वो कल बाड़मेर आए हैं और यहाँ जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और अब बाड़मेर में जो प्रवासी लोग आए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था यह की गई है कि वो अगर क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे तो उनका मोबाइल जो लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है और उनको सूचना लगातार प्रशासन के पास रहेगी। इसी तरह उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कल बाड़मेर पुलिस द्वारा 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से लोगों को संक्रमण से बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल अशोक, एक और मेरा सवाल ये है कि देखिए जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर लोग पूरी तरीके से अपडेट नहीं होते और जो तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है वो वहां पर नहीं बरती जा रही, तो क्या बाड़मेर में भी ऐसा ही कुछ? बिल्कुल मनीषा, जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो बाड़मेर में आए हैं उसमें अधिकतर जो अब तक 70 का आंकड़ा पहुंच चुका है उसमें अधिकतर जो मरीज है वो सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कहीं ना कहीं आपकी बात सही साबित इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रामीण लोगों में कहीं ना कहीं सावधानी नहीं बरती जा रही है, इसलिए पॉजिटिव मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। बाहर से जो प्रवासी लोग आए हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ग्राम विकास सतर्क समितियां जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई है, हालांकि वो लगातार प्रयास तो कर रही है लोगों को होम क्वारंटाइन रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लापरवाही देखने को मिल रही है। अशोक, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़ा हर जगह बढ़ता जा रहा है, लगातार हम हमारे संवाददाताओं से बातचीत करके आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हर जिले से।